खैरियत क्यों आए हो, क्यों देखनी है वीडियो? खैरियत कोई मसला है, कोई परेशानी है तो बताएं। अब तो रिजल्ट आ गया, क्या मसला है? खैरियत तो वीडियो क्यों ओपन की है? कोई काम, कोई मसला, कोई परेशानी? परेशानी है कोई? नहीं है ना? मुझे तो नहीं समझ आ रही आपकी वीडियो की। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, वो बंद कर दें वीडियो, क्या फ़ायदा? अभी आप ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा होगा आपको? नहीं होगा ना। क्यों देख रहे हैं अभी तक? ये देखो, ये देखिए, ये वाला बंदा भी देख रहा है, ये वाला। आप ना देखो वीडियो, आप भी ना, आप देख लो, आप भी ना देखो, आप क्यों? कोई भी ना देखो। अरे चलो देख लो, तुम्हारी मर्ज़ी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम देखना चाह रहे हो ज़बरदस्ती तो आई कांट डू एनीथिंग। पक्की बात है, सोच लिया कि देखनी है वीडियो, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, ऑनेस्ट रिव्यू है जो आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया फाइनल टर्म का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिज़ल्ट आप सबका आ गया, मुबारक हो आप सबको, आप सब पास हो गए हैं। जो फेल हुए हैं उनको भी मुबारक हो, वो फेल हो गए हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या पता वो पास हो जाते तो कम सी जीपीए से पास होते हैं, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में वो ज़्यादा तैयारी करेंगे और ज़्यादा अच्छे नंबर से पास होंगे। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहकर जो है वो आप लोग सोचा करें और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाएं, ठीक है? उससे पहले एक मुझे आज किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा है व्हाट्सएप पर, तो चले रहने दें। वो सवाल मैं नहीं है आपको बता था कि वो सवाल क्या था, बताना चाह रहा था लेकिन रहने दें, कोई बात, कोई बात, जाओ, बख्श दिया। अच्छा तो यार आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, 81% लोग पास हैं और मेरे पास जो पर्सनल में भी आए हैं ना, हाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक यहाँ पे आप देखें कि उनकी, उन्होंने बताया कि 81% लोग पास हैं, ठीक है? तो उन्होंने ये नहीं बताया 81% लोग जो पास हैं उन 81% लोगों में सप्लियाँ लाइक किस किस की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिसके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स में कोई एक में पास है, कोई नहीं, 6 सब्जेक्ट्स में कोई एक में फेल है, कोई 2 में फेल है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आई थिंक उनको भी पास कंसिडर किया हुआ है। तो इस दफ़ा सप्लीज नो डाउट, अभी तक तो मेरे मुताबिक अगर मैं अपना सर्वे करूं तो उसके मुताबिक सप्लीज़ लोगों की बहुत ज़्यादा आई हैं, सप्लियाँ लोगों की काफ़ी हैं और काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि अब हम सप्ली को कैसे क्लियर करें। सप्लियाँ देखिए क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट सेमेस्टर में, आप मेरे मुताबिक अगर मेरे से मशवरा लें तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आप की सप्लियाँ हैं ना, वो सब्जेक्ट्स आप पिक कर लें, उठा लें, ताकि आप उसको पहले से ही जो है वो उसको क्लियर कर लें, ठीक है? तो वो फ़ायदेमंद है। और बाकी रिज़ल्ट थोड़ा बहुत इस दफ़ा आई थिंक लोगों की सप्लियाँ ज़्यादा ही हैं, अगर हम कंपेयर करें लास्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट के साथ, तो इस दफ़ा थोड़ी लोगों की सप्लियाँ ज़्यादा ही हैं, रिज़ल्ट थोड़ा लोगों का गंदा आया है। और एक जो सब्जेक्ट है VU001 जो ई लर्निंग है, वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा सब सब्जेक्ट्स में टिक है तो लेकिन हमें फिर भी फेल किया हुआ है। तो उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि वो जो टिक है ना सारे आपके कंप्लीटेड हैं, सब लेक्चर्स में ग्रीन टिक आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद या तो उस सब्जेक्ट टीचर को ईमेल करें कि आपने ईमेल क्यों किया, आपकी ऐसी की तैसी, ये ना लिख देना ऐसी की तैसी। अच्छा, और VU सपोर्ट सिस्टम में टिकट जनरेट करें, वहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करें, उनको भेजें, वो आपका, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सारे ग्रीन टिक हैं तो फिर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी पास कर देगी, अगर जेन्युइन रीज़न है तो। सपोर्ट सिस्टम में टिकट जनरेट करने के बाद ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट जो है वो लेट ही आता है, बहुत सारे सब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट नहीं आया बाकी आ गया, तो प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट लेट आता है और 1-2 हफ्ते बाद आता है। और जब आपका एक दो हफ्ते बाद नहीं, 1 हफ्ते तक आ जाता है, जब आपका प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट आएगा ना तो वो वाला CGPA आपके टोटल CGPA में ऐड होगा। लाइक अगर आपका 3.0 CGPA है ना अभी, जब आपका प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट आएगा और अगर आप उस पर पास हुए तो हो सकता है आपका 3.1 CGPA हो जाए या 3.2 CGPA हो जाए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी इस दफ़ा पेपर्स भी स्टूडेंट्स के मुताबिक थोड़े बहुत, लाइक थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत टफ थे। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा मार्किंग का भी अगर बंदा कहे ना, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हाथ थोड़ा जो है ना वो टाइट रखा है इस मरतबा। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं ना वर्चुअल, उसके देखें कोई भी डिग्री है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स सारे आसान होते हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोशिश होती है कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे नंबर देके पास कर दिया जाए, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले और वो सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादा अच्छी तैयारी करें और वो स्टडी से बैक फुट पर ना हो जाएँ, स्टडीज़ छोड़ ना दें। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी नोज़ के बहुत सारे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो पढ़ाई करते हैं,
तो दैट्स वाई वो इतना इश्यू नहीं करते। ठीक है, तो बस ये ऑनर्स रिव्यू था। बाकी स्टूडेंट्स तो पढ़ाई नहीं करते, अगर आप लोग पढ़ाई करें तो वो स्टूडेंट्स भी तो हैं ना जिन्होंने 4-4 सी जी पी ए लिए, अगर वो 4 ले सके तो आप क्यों नहीं ले सकते। उनके पास दो हाथ, नो दो कान, दो नाक, नहीं दो नहीं, दो नाक, दो नाक, दो आंखें, दो हाथ, एक जबान। हाँ, उनके पास जबानें दो होती होंगी जो सिर्फ बातें करते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे। या फिर आपने वीडियो वीडियो पूरी देखी है कि नहीं? देख ली है ना वीडियो पूरी? कुछ हासिल हुआ है, कुछ वसूल हुआ है? ऐसे ही पूरी वीडियो देखने को लगे हुए बेवकूफ़ों की तरह। अब जाओ ना, वीडियो ख़त्म होगी, बस ख़त्म हो गई, जाओ ख़त्म, बंद कर दो वीडियो। अभी तक नहीं की, मर्जी है भाई आपकी, क्या कर सकता हूँ मैं, तो कुछ नहीं कर सकता मैं तो। आपको देखें, आप कह रहे हो कि टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, मैं टाइम ही ज़ाया कर रहा हूँ, बंद कर दे वीडियो भाई, क्या हो गया। मैं बैठा, मैं शाम तक इधर बैठा रहूँ, आप भी बैठे रहोगे शाम तक इधर वीडियो देखते रहोगे, तो ठीक है, मर्जी है आपकी भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ यार, सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे वो 100% व्यूवर्स में से 27% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, और 73% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई कोई खुदा का खौफ करो, वीडियो भी पूरी देख लेते हो, मैं आपको कहता हूँ चैनल से चले जाओ, वीडियो ये वाली वीडियो जो अभी आप देख रहे हो ये भी छोड़ दो, ना देखो, ये वीडियो भी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, फ़ायदा आपका चस नहीं आई, मज़ा नहीं आया। बाकी आपकी मर्ज़ी, अल्लाह हाफिज़।